हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरोज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आया हूं MR Hyundai विच इज़ लोकेटेड नियर लोनी रोड और मैं यहाँ मिला हूँ मिस्टर अरुण तिवारी जी से, जिनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बेटर डील के लिए आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2020 BS6 Hyundai Creta ई डीजल वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट है और डीजल में ही अवेलेबल है दोस्तों। वहीं हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जाती है 9.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 11.39 लाख ऑन रोड प्राइस दिल्ली। जहां तक वारंटी की बात करें तो Hyundai Creta में कंपनी ऑफर कर रही है 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। फेसलिफ्ट Hyundai Creta मार्च 2020 में लॉन्च हुई थी और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV बन चुकी है इंडिया की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो ई वेरिएंट में आपको मिलते हैं LED डे टाइम रनिंग लाइट एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और एक बार आपको जला के भी दिखा देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है इसके LED डे टाइम रनिंग लाइट एंड प्रोजेक्टर हेड लैम्प, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और नीचे आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं टर्न इंडिकेटर और इसमें आप फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं ड्यूल टोन में। फ्रंट स्किड प्लेट के साथ बम्पर और फ्रंट ग्रिल आपको सिल्वर फिनिश में मिलने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं। फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफ़ी शानदार बोल्ड नज़र आने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर और व्हील साइज रहने वाला है 205/65R16। और इसके ए पिलर और बी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है यहाँ पे। और ORBM आपको बॉडी कलर LED टोन इंडिकेटर के साथ मिलने वाले हैं और इसके डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर के ही मिलने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। जहां तक ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में दिया गया है कपल टोर्जन बीम एक्शन। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो लेंथ 4300 mm, विड्थ 1790 mm, हाइट 1635 mm, व्हील बेस 2610 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, बूट स्पेस 433 liters एंड फ्यूल टैंक दिया गया है 50 liters। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प प्रोवाइड किया गया है बेस वेरिएंट में भी, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसमें लाइनिंग दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। हाई माउंटेड लैंप यहां पे दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और टेल गेट पे Hyundai का लोगो, Creta की ब्रांडिंग। इसके अलावा सबसे ऊपर आपको मिल जाते हैं ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर पियानो ब्लैक फिनिश में, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों। और इसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं एंटीना और इसमें रूफ रेल्स नहीं आते हैं दोस्तों, जो कि आप एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ड्यूल टोन रियर बम्पर के साथ आपको बहुत ही शानदार स्किड प्लेट मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो हमेशा की तरह फ्रंट डोर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रंट डोर आपको ड्यूल टोन में मिल जाते हैं, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डोर हैंडल पर मिलने वाला है पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल और यहाँ पे डोर हैंडल कुछ इस तरह का ब्लैक फिनिश में मिलने वाले हैं। नीचे आपको 1 लीटर का बोटर होल्डर थोड़ी सी जगह और यहाँ पे स्पीकर काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको मिलने वाले हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ड्यूल टोन अपोस्ट्री मिलने वाले हैं, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों। फ्रंट सीट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, काफ़ी अच्छी खासी कुशनिंग ड्राइवर सीट की है यहां पे। बेस वेरिएंट की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएमीटर, बीच में MID दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दोस्तों। और इसके अलावा बहुत ही शानदार
फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील टिल्टेबल दिया गया है। एक बार टिल्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें सिल्वर फिनिश भी आपको मिलते हैं। राइट साइड दिया गया है MID से रिलेटेड फंक्शन, Hyundai का लोगो। चलिए सेंटर कंसोल में दिया गया है आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट में भी, जिसमें आपको स्टोरेज मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी खासी। और उसके जस्ट आगे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर और ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक, और यहाँ पे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पियानो ब्लैक फिनिश सिल्वर फिनिश में। और उसके आगे आपको मिलते हैं 12 वोल्ट का चार्जर, स्टोरेज, और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिसिंग है, जो कि आप एज एन एसेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं। AC वेंट में आपको दिया गया है सिल्वर फिनिश, और कूल्ड ग्लोब बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी अच्छी खासी जगह रहने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ड्यूल टोन दिया गया है डैशबोर्ड लेआउट, और यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है, बीच में कैबिन लाइट यहाँ पे मिसिंग है, ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पे आपको डे नाइट IR भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिडिल में दिया गया है कैबिन लाइट। रियर कैबिन की अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह रियर डोर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी फ्रंट डोर की तरह ड्यूल टोन फिनिश दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नज़दीक से दिखा देता हूँ, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, और नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, और स्पीकर बहुत ही अच्छी खासी डिज़ाइन में। चलिए इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी जगह रहने वाली है, और इंटीरियर में मिलने वाले हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिसिंग है बेस वेरिएंट में। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं, और बात करते हैं लेग रूम हेड रूम की। और सबसे पहले बात करते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, बेस वेरिएंट में भी आपको रियर AC वेंट्स प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा रियर सीट से फ्रंट की ओर अगर हम देखते हैं तो बेस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफी प्रीमियम रहने वाला है, काफी अच्छी खासी जगह यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जहां तक लेग रूम की बात करें तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, हेड रूम की अगर हम बात करें तो उसकी भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा सेंटर में दिया गया है कैबिन लाइट, जो कि काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्के से पुश करके आप बूट गेट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही शानदार 433 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं, जो कि आप एज एन एसेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं। लेफ्ट साइड दिया गया है बूट लैंप, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों बेस वेरिएंट में भी। जहाँ तक स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील मिलने वाले हैं, वो भी 16 इंच के स्टील व्हील, और यहाँ पर आप छोटे मोटे सामान भी रख सकते हैं। और इसके रियर सीट जो है 60-40 ऑप्शन नहीं मिलता, इसे फ्लैट फोल्ड आप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट एरिया को। और इसके बूट गेट पे दिया गया है ग्रैब हैंडल, जिसे आप ग्रैब करके इसे क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। 2020 Hyundai Creta ई वेरिएंट में आपको मिलते हैं केवल डीजल इंजन, और इसमें दिया गया है दोस्तों BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 113 BHP की पावर 4000 RPM पे एंड 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2750 RPM पे। जहां तक ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें दिया गया है दोस्तों 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 21.4 km की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके टॉप इन वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं दोस्तों 6 एयरबैग, एंड लोअर वेरिएंट में मिलते हैं ड्यूल एयरबैग। इसके साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर ई बेस वेरिएंट में, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, इंजन इमोबिलाइजर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ड्यूल हॉर्न, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू BS6 Hyundai Creta ई डीजल बेस वेरिएंट की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ में बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।